नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया और क्रिया के भेद। इससे पहले हमने देखा है कि शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की दूसरी परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी प्रक्रिया या घटना के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, इस वाक्य में पकड़ना यह क्रिया है। मीरा गाती है, इस वाक्य में गाना यह क्रिया है। दीपक क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य में खेलना यह क्रिया है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, इस वाक्य में पिलाना यह क्रिया है। राम ने चित्र सिखाया है, इस वाक्य में सिखाना यह क्रिया है। सुधीर विदेश गया, इस वाक्य में जाना यह क्रिया है। उसी के साथ हम जो क्रिया के भेद देखने वाले हैं उसमें पहले वाक्य में चोर यह सकर्मक क्रिया है, दूसरे वाक्य में गाना यह अकर्मक क्रिया है, तीसरे वाक्य में क्रिकेट यह एक कर्मक क्रिया है, चौथे वाक्य में रोगी और दवा यह द्विकर्मक क्रिया है, पांचवे वाक्य में चित्र यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, विदेश यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अब हम कर्ता, कर्म और क्रिया किसे कहते हैं यह देखेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिस कार्य को किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। एक वाक्य देखिए, अमोल किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाक्य का अर्थ कौन सा शब्द पूर्ण करता है? तो वह है पढ़ता है, इसीलिए पढ़ना यह क्रिया है। क्रिया को अगर कौन यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको कर्ता मिलेगा। कौन पढ़ता है? तो जवाब आएगा अमोल, इसीलिए अमोल यह कर्ता है। क्रिया को आप क्या से प्रश्न पूछोगे तो आपको कर्म मिलेगा। क्या पढ़ता है तो आपको जवाब मिलेगा किताब, इसीलिए किताब यह कर्म है। दूसरा उदाहरण देखिए, राधिका फल खाती है, वाक्य का अर्थ कौन से शब्द से पूर्ण होता है? वो खाती है, इसीलिए खाना यह क्रिया है। कौन खाती है? तो राधिका, और इसीलिए राधिका यह करता है। क्या खाती है? तो फल खाती है, इसीलिए फल यह कर्म है। इस वाक्य में राधिका यह करता, फल यह कर्म और खाना यह क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य दो भेद है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के तीन भेद है, एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया और तीसरा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया के दो भेद है, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब हम क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया का
पहला वेद है सकर्मक क्रिया। परिभाषा देखो, जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक शब्द का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता से निकलकर कर्म पर पड़ता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, अंजलि ने पत्र लिखा, सीता फूल तोड़ती है, लड़का खुशी से हंसता है, सुरेश रोटी खाता है। इन वाक्यों में पकड़ा, लिखा, तोड़ती है, हंसता है, खाता है, यह क्रियाएं हैं, तथा पुलिस, अंजलि, सीता, लड़का, सुरेश, यह शब्द क्रियाओं के कर्ता है। इन क्रियाओं का फल इनके कर्ताओं तक सीमित नहीं है। इनके फल का असर दूसरे शब्दों अर्थात चोर, पत्र, फूल, खुशी, रोटी, इन पर पड़ता है। ऐसे शब्द को कर्म कहते हैं। इसीलिए पकड़ना, लिखना, तोड़ना, हंसना, खाना, यह सकर्मक क्रियाएं है। इसके अलावा पढ़ना, सीखना, बुलाना, सुनना, लिखाना, बनाना, खरीदना, देना, लेना, जगाना, उठाना, गिराना, रोकना, पीना, खोलना, बजाना, उठाना आदि क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के तीन भेद हैं। उसमें पहला एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजू रोटी खाता है, दीपक क्रिकेट खेल रहा है, सुधीर शहर गया है। इन वाक्यों में रोटी, क्रिकेट, शहर, यह एक ही कर्म आया है, इसीलिए ये एक कर्मक क्रियाएं है। सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। ऐसे वाक्य में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है और निर्जीव कर्म मुख्य कर्म होता है। वाक्य देखिए, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। इस वाक्य में रोगी और दवा, यह दो कर्म है। दीपक अपने भाई के साथ क्रिकेट खेला है। इस वाक्य में भाई और क्रिकेट, यह दो कर्म है। सुधीर ने शिक्षक को उपहार दिया। इस वाक्य में शिक्षक और उपहार, यह दो कर्म है। सकर्मक क्रिया का तीसरा भेद है अपूर्ण क्रिया। वाक्य में क्रिया और कर्म हो फिर भी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, इसका अर्थ स्पष्ट न हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। वाक्य देखो, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के थे। दूसरा वाक्य देखिए, सुनील बन जाएगा, भारत की राजधानी है। इन तीनों वाक्यों में क्रिया और कर्म है फिर भी इसके अर्थ में स्पष्टता नहीं है। पहले वाक्य में मुख्यमंत्री लिखने से स्पष्टता आएगी। जैसे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। दूसरे वाक्य में कलेक्टर, यह लिखने से स्पष्टता आएगी। सुनील कलेक्टर बन जाएगा। तीसरे वाक्य में दिल्ली, यह शब्द लिखने से
स्पष्टता आएंगी। भारत की राजधानी दिल्ली है। अभी यहाँ पर जो तीन वाक्य दिए गए हैं, इनके अर्थ में स्पष्टता नहीं है, इसीलिए ये अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण क्रिया के भेद। अपूर्ण क्रिया के दो भेद है, उसमें से पहला अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। इनके अर्थ को पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने उसे इंसान बनाया, इस वाक्य में इंसान यह शब्द पूरक है। गणेश ने चित्र सिखाया है, इस वाक्य में चित्र यह शब्द पूरक है। श्यामल ने खाना खिलाया है, इस वाक्य में खाना यह शब्द पूरक है। अपूर्ण क्रिया का दूसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रियाएं अकेले कर्ता से स्पष्ट नहीं होती। इनके अर्थ को पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधीर बेहोश रहा, इस वाक्य में बेहोश यह शब्द पूरक है। कांचन बाहर गई, इस वाक्य में बाहर यह शब्द पूरक है। वह विदेश गया, इस वाक्य में विदेश यह शब्द पूरक है। अब हम क्रिया का दूसरा भेद देखेंगे, अकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक शब्द का अर्थ होता है कर्म के बिना। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। जैसे श्याम सोता है, रमेश रोता है, गाड़ी चलती है, मीरा गाती है, बच्चे हंसते हैं। इन वाक्यों में सोता है, रोता है, चलती है, गाती है, हंसते हैं, यह क्रियाओं का कार्य तथा कार्य का फल इनके कर्ता तक सीमित रहता है। अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इन्हें किसी अन्य शब्द अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए सोना, रोना, चलना, गाना, हंसना यह अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके अलावा आना, जाना, थकना, भागना, जागना, गिरना, रुकना, तैरना, कूदना, खेलना, बैठना, दौड़ना, बहना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अगले वीडियो में हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। धन्यवाद।